ये राल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। ये राल हक का मुजदा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दरूद पाक पढ़कर ए अलीमी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदीना व मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहि बारिक वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात शायरों के इतने बड़े जमघटे के में शेर पढ़ना अपनी लिसानी वजूद को कैदखाने में डालने के बराबर। बड़े बड़े शायर हैं, फिक्रो फन के वो महपारे शपारे हैं, जुगनुओं की तरह जिनके अशार आसमाने जहनो दिमाग पे चमक और दमक रहे हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत गाजी मिल्लत की शक्ल में स्टेज पे मौजूद है, इसलिए खालिस नात पाक का एक मतला और एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर शोराए कराम की समातों के रहल पर अगर कुछ पाकीज़ा जुमले मौजूद हों तो इस दामने हकारत में डालने की सादतें वो हासिल करें। पैरहन रुमाल चादर और इमामा मोजज़ा, पैरहन रुमाल चादर और इमामा मोजज़ा, जिसमे अनवर से जो छू जाए वो जामा मोजज़ा। हक है, हक है, जामा मोजज़ा। ख्वाह मीलादुन नबी हो, ख्वाह मेराजुन नबी, ख्वाह मीलादुन नबी हो, ख्वाह मेराजुन नबी, उनका आना मोजज़ा है, उनका जाना मोजज़ा, ना मोजज़ा। और एक शेर मुफ्ती रहमत अली साहब याद आ गया कि लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया, लेके बोसा नक्श पाए मुस्तफा का हो गया, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। वाह वाह वाह, शहरे मक्का मोजज़ा, शहरे मदीना मोजज़ा। हजरात मैं कतई तकरीर करने नहीं आया, बस मोहब्बत की एक कॉल बेल बजी और मैंने अपनी चाहतों का दरवाजा खोल दिया। इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है, मगर माँ के वजूद के दो पहलू मैं आपके सामने रखकर आपसे रुख्सत हो जाऊंगा। सिर्फ दो पहलू। सरकारे गौसे पाक से उनकी वालदा माजदा फरमाती हैं, बेटा कभी कभी तुम मुझे जहनी तौर पर परेशान कर दिया करते थे बचपन में। मेरे गौस ने कहा, अम्मी जान ये काम मैंने कब किया है? कहा, बेटा एक सर्द रात में मैं तुम्हें अपने सीने पे लेके सोई थी, आंख खुली तो तू लापता था, अंधेरे में मैं चारों तरफ हाथ मार रही हूं, तेरे वजूद नहीं मिल रहा, पैरों में ठंडक मिली जब हाथ बढ़ाया तो तेरे सर पर मेरा हाथ पड़ा तो उठा के मैंने तुम्हें गोद में रख लिया। बेटा अब्दुल कादिर बता, तुम मेरे कलेजे से उतरकर क्या कर रहे थे? गौसे पाक जवाब देते, अम्मी जान जिस वक्त मैं आपके सीने पे चढ़कर सो रहा था मुझे जन्नत में टहलने का ख्याल आ गया, इसलिए मैं आपके तलवों को चूमने लगा, मुझे जन्नत में टहलने का मजा मिलने लगा। यह है मां, यह है मां। मां कब्र के बाहर हो या कब्र के अंदर, मां मां है, उसका कोई जवाब नहीं और उस नेमत का कोई बदल नहीं।
थोड़ा सा आप मेरे करीब आइएगा। मैं बहुत सीधा सादा सिंपल आदमी हूं, लहरदार गुफ्तगु करने का मैं कायल नहीं हूं। मैं तकरीर का सारा वक्त बलियावी साहब किबला को दूंगा ताकि जिनके लिए आप आए हैं आपकी तशनगी बाकी ना रहे, आप एकदम सैराब हो जाइए। मैं देहाती अंदाज में गुफ्तगु कर रहा हूं मौलाना रोशन जमीर साहब, एकदम देहाती अंदाज। हजरत एक गरीब आदमी 6-7 कट्ठा जमीन का मालिक, 5 बेटों का बाप। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बाप ने बेटों से कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं मरने से पहले तुम लोगों के लिए अपनी जमीन में मकान बनाऊं। अब्बा बेहतर है, 5 मकान बेटों के लिए। जमजम भाई तकरीर सुनिए, 5 मकान बेटों के लिए, 1 मकान अपने लिए बना लिया। फूस की छत डाल दी गई, टाट का दरवाजा लगा दिया गया। मकान तैयार, तब बाप ने धीरे से बेटों को कहा, बेटा मैं ये चाहता हूं कि घर के पश्चिम तरफ मगरिब की तरफ एक और घर बनाया जाए। बोला अब्बा अब घर की क्या जरूरत है? कहा बेटे हम उसमें नमाज पढ़ेंगे और दुनिया वाले उस घर को अल्लाह का घर करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, बना लीजिए। मकान बन के तैयार हो गया। अब उसकी लिपाई पोताई की बात आई, बच्चों ने अपने खेत की मिट्टी से लीपना पोतना चाहा तो बाप ने डांट कर कहा, खबरदार ये तेरी हिम्मत कहां से आई कि तू अपनी जमीन की मिट्टी से जिसे जमाने वाले अल्लाह का घर कह रहे हैं, मस्जिद कह रहे हैं, उसकी दीवार को तू अपनी मिट्टी से लीपे, ये तेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। कहा अब्बा फिर कहां से इस दीवार को चिकनी करेंगे हम? कहा कहीं से भी जन्नत की मिट्टी तलाश। फजर की नमाज पढ़कर 4 बच्चे झोला लेकर जन्नत की मिट्टी की तलाश में निकले, 5वां टेंशन में बीमार हो गया। दिन भर ठोकरे खाकर उस गरीब बाप का 4 बेटा जख्मी लहू लहान होकर पलट आया खाली हाथ। अब्बा जमीनों से पत्थरों से टकराते टकराते वजूद का ये हाल, मगर अब तक जन्नत की मिट्टी क्या खुशबू तक का एहसास नहीं हुआ। बेटा हिम्मत मत हारना, कहीं ना कहीं से जन्नत की मिट्टी का इंतजाम करना। 4 बेटे 1 बाप ये सब गुफ्तगू करते हुए घर के अंदर जा रहे हैं तो जो बेटा टेंशन में बीमार था वो आंगन में एक बड़े से झोला में कुछ सामने रखे हुए बैठा हुआ। छूटते ही 5वां ने पूछा, इसमें क्या है बाबू? सीना ठोक कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की मिट्टी है। बोला झूठ क्यों बोलता है? तू तो रात को घर में घुसा तो अब तक नहीं निकला। का यही तो मेरा मुकद्दर है कि मैं घर में रह गया। बोला नहीं समझे? कहा माँ ने पैर में पायल पहन रखा, उसमें नन्ने नन्ने घुंघरू लगे। फजर की नमाज पढ़कर मैं कंबल तान के सो गया, लेकिन माँ ने झाड़ू देने के लिए जब कदम उठाया तो पाजेब की वो घुंघरू बजने लगे तो मेरी आंख खुली। मैंने आंख जैसे ही खोला तो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस याद आ गई, ऐ दुनिया वालों कहां भटक रहे हो? तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। ये जाग एहसास जागते ही दिन भर जहां जहां माँ ने कदम रखा है मैंने वहां की मिट्टी जमा कर लिया है। अगर ये एहसास हर औलाद को हो जाए तो कोई भी हमारे मजहब की बूढ़ी औरत किसी चौराहे पर भीख मांगती नजर नहीं आएगी, हाथ फैलाती नजर नहीं आएगी। तुम जिसे भिखारी समझ रहे हो वो तेरे लिए जन्नत का तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैफुल्ला अलीनी साहब क़िबला। नई आंचल की हवा लगते ही पुराने आंचल की खुशबू भूल जाते हो? अबे जो नई आंचल है इसमें परफ्यूम की महक है और जो पुरानी आंचल है उसमें ममता की महक है। हवा के झोंकों से परफ्यूम का एहसास मिट जाएगा, मगर चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए ममता की खुशबू उस आंचल से नहीं निकल सकती।
فانٹا کی خوشبو نہیں نکل سکتا ماں کا ایک وجود ماں کا ایک وجود اور دکھا رہا ہوں چند منٹ کی مہلت دیجئے مجھے گفتگو بلیابی صاحب سے سنیے گا دیگر علماء کرام سے سنیے گا سجے سجائے شورا ہیں جو بنے بنائے ترنم کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہم لوگ تو بس پھٹا بانس سمجھ کر کچھ دیر ہم لوگوں کو برداشت کر لیجیے مگر ٹریفک جام ہو تو یہی پھٹا بانس کام آتا اس لیے تھوڑا سا میرا حوصلہ بڑھائیے ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے میں ایک تقریر کر رہا ہوں آپ حضرات دعا دیں علماء کرام خاموش رہے بس یہ زیر لب ہی مجھ کو دعا دے دیں گے تو میں کامیاب ہوں آپ کا بولنا بہت بہت بڑا اعزاز ہے یہ تمنا میں کیوں کر رکھوں یہ احساس ہی بہت ہے کہ آپ خوش ہیں اس لیے کہ بولیے گا تو منہ سے آواز نکلے گی چپ رہیے گا تو دل سے آواز نکلے گی اور دل کی آواز زیادہ قابل قبول ہوتی ایک کمزور نہیں ناتما عورت لاغر عورت کمزور سواری پر بیٹھ کر بس ایک تاریخ سنا رہا ہوں تقریر نہیں جس وقت مکہ کی سرحد پر آئی اس وقت ساری عورتیں خوشی خوشی اپنی گود میں بچے کو لے کر مکہ سے نکل گئی اس غریب دکھیاری پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس عورت سسک کے کہتی ہے بہنوں کیا مکہ میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو تو نے گود لے لیا تو ان عورتوں نے مذاق اڑا کر کہا نہیں نہیں ایک بچہ چھوڑ دیا ہے جو یتیم ہے چاہو تو اس سے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر سکتی یہ بوڑھی عورت تو نہیں یہ غریب اور لاغر عورت کون ہے یہ حلیمہ سعدیہ اس نام پہ سبحان اللہ کہتی سبحان اللہ سبحان اللہ آئی ہیں کعبہ کے در و دیوار سے لگتے ہوئے حضرت میرے نبی کے کاشانے نور تک گئی نبی کونین کا رخ ادھر ہے تاریخ کہتی ادھر سے حضرت حلیمہ جا رہی اچانک میرے نبی نے کروٹ بدل دیا نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی کہا ماں میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا اس لیے کہ میں وہ کتاب تقدس ہوں جو ہر رحل پر جس کی تلاوت نہیں ہوگی تیرے پاکیزہ آنچل ہے جس کی سطروں میں میری عظمتوں کی تحریریں روپوش ہیں نگاہوں نگاہوں میں میرے نبی نے سب کہہ دیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو اٹھا لیا ہاتھ میں چلی ہے جیسے ہی در و دیوار سے بلیابی صاحب باہر نکلی تو دھوپ نے اپنا کمال دکھانا چاہا تو حضرت حلیمہ نے دوپٹہ اٹھا کر پردہ کرنا چاہا تو بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا صرف سناؤں گا مکہ کی سرحد پر گئی وہ غریب وہ کمزور وہ مفلوق الحال مرا مرا جانور جیسے ہی میرے نبی کو لے کر بیٹھی ہیں ہوا سے وہ جانور بات کرنے لگا ایک دم تاریخ سنی ہوا سے بات کرنے چند منٹوں میں گھنٹوں پہلے جانے والی عورتوں کو اوور ٹیک کر لیا عورتوں نے پلٹ کر کہا بہن حلیمہ کتنا مال ملا کہ تو نے نیا جانور خریدا بولا جانور وہی ہے صرف سوار بدل گیا سوار بدل گیا پہنچی کئی مہینوں سے پورے قبیلے اور علاقے کے کسی جانور کے تھن میں دودھ نہیں جیسے ہی میرے نبی کو لے کر سواری سے حضرت حلیمہ زمین پہ پاؤں رکھتی ہے قبیلے نہیں علاقے کے تمام جانوروں کے تھن میں دودھ آئے سبحان اللہ آپ کب کہیے گا سبحان اللہ یہ آپ کی مرضی پر تھن میں دودھ آ گیا ان کے شوہر نے کہا بیگم یہ کیا ہے بولا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا توہم پرستی کا زمانہ ہے انسانی ضرورت کے ناطے حضرت حلیمہ رات کو نکلی اب تو بھائیو زمانہ بدل گیا پہلے آدمی پیسہ والا ہوتا تھا نا تو دروازے پہ آدمی رکھتا تھا کہ کہیں کتا نہ گھس جائے اب آدمی پیسہ والا ہو گیا تو دروازے پہ کتا رکھتا ہے کہ کہیں آدمی نہ گھس جائے کتنا فرق ہو گیا پہلے آدمی کھاتا تھا گھر میں رکھتا تھا باہر اب کھاتا ہے باہر رکھتا ہے گھر میں حالات بدل گئے سوچ بدل گئی
जरूरत इंसानी के तहत हजरत हलीमा निकली, तब परस्ती का जमाना दिलकश भाई, चांद ऐसे ऐसे कर रहा, घबरा गई, लगता आसमान गिरने वाला है। नजर पलट कर मेरे नबी के झूले पर गई, देखा मुस्तफा जाने रहमत का हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है तो आसमान का चांद हिल रहा है। तकरीर सुनो तकरीर, हाथ ऐसे ऐसे तो चांद ऐसे ऐसे, देख लिया जरूरत पूरी कर। सुबह हो गई, हजरत हलीमा मकान के बाहर आई, पड़ोस की औरत आई, कहीं बहन बर्बाद हो गई। मैं कहा क्या हुआ, क्या तुम जानती हो 13 साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। बोला हाँ। बोला जिस वक्त मेरा शोहर मरा मैं हमल से थी, 4 महीने के बाद मैंने बेटा जन्म दिया, अब वो 12 साढ़े 12 बरस का हो गया, उसके बाजू की मछलियां मेरी मजबूरियों की लाठी बन रही, मेरी कमजोरियों का सहारा उसकी जवानी के पल बन रहे थे, लेकिन अचानक न जाने कौन बीमारी लगी कि मेरा बेटा तो बिस्तर पे चिपक गया। अगर चारपाई पे चादर डालो तो बच्चे का वजूद समझ में नहीं आता। ए हलीमा तू गांव गांव घूमती है, किसी डॉक्टर और हकीम का पता बता जो मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने 1 मिनट के लिए आंख बंद किया, मक्का की सुबह देखा, अब्र का साया देखा, सवारी का तेज रफ्तार होना देखा, रात का मंजर देखा, चांद को जुम्बिश में देखा, हालात देखा, बेदूध वाले थनों में भी दूध देखा। हजरत हलीमा घबरा कर कहती हैं, ए बहन डॉक्टर का बदा पहाते पूछना, मैं एक प्याले में पानी लाकर देती हूँ, अपने बेटे को पिला दो, मुझे यकीन है कि सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा दौड़ता हुआ आएगा और मुझे सलाम करेगा। वो दुखियारी पानी लेकर गई है, जैसे जैसे चंग कतरे पिलाया, अभी दोपहर का सूरज शबाब पर है, वो औरत दौड़ती आ रही है। हलीमा तुमने पानी में कौन सा जादू किया था। कहा क्या हुआ, कहा तुमने शाम तक कहा था कि तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तो अभी दौड़कर तुझे सलाम करने आ रहा है, बता कौन सा जादू था। तो हजरत हलीमा कहती है, कोई जादू नहीं, कल मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर मैंने तेरे बच्चे को पिला दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्ला अली भी, तेरे बच्चे को मैंने पिला दिया। अब यही वाकया जब इमाम मोहम्मद रजा की नजर में आया, तब मुजद्दिद का कलम उठा और आला हजरत ने लिखा कि जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, बारक अल्लाह बारक, हक है हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा और वही लोग बकते हैं कि जिनका दिन कारोबार में गुजरता है, रातें हवसकार की बाहों में गुजरती, वही बकते हैं जहां इफ्फत और इस्मत का कोई वजूद ही ना हो, वही लोग मेरे नबी की अजमत की तरफ उंगली उठाते। हजरत एक बात ये किए जाते, मेरे नबी आपने शाल ओढ़ाया तो मुझे याद आ गया, मस्जिद नबवी में मेरे नबी बैठे, मेरे नबी के दोशे मोहतरम पर नूर की चादर, सुभान अल्लाह आप लोग कह दीजिए, नूर की चादर, और ऐसी चादर है जिसको एक बार हजरत आयशा सिद्दीका ने सर पर रख लिया था, तो जितनी देर ये चादर सर पे थी, हजरत आयशा कहती हैं कि मुसलसल बारिश हो रही थी, तो मेरे नबी ने कहा वो नूर की बरसात हो रही थी। सुभान, अचानक मेरे नबी की नजर मस्जिद नबी के बाहर गई, अपने कांधे से अपनी नूरी चादर को उतारा, इससे मस्जिद नबी की जमीन साफ की, चादर झाड़ा, फिर जमीन पे बात के खड़े हो गए, कोई और नहीं दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा रही। सुभान अल्लाह, बोलो यहाँ पर वरना झगड़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, हजरत हलीमा आ रही। मेरे नबी ने हाथ भर बात कर इस्तकबाल किया, चंद कदम आगे बढ़े,
चंद कदम आगे बढ़े, हाथ पकड़कर सलाम किया, बलिया भाई साहब लाए माँ बैठ जाइए, लफ्ज सुनिए लफ्ज, माँ बैठ जाइए। हजरत हलीमा ने चादर पहचान लिया, चादर का कोना उठाकर कहा या रसूल अल्लाह, उम्मत की मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि अपने पैगंबर की इस नूरी चादर पे कदम रखे। तो नबी ने फरमाया माँ खामोश हो जाइए, ये उम्मत के लिए पैगंबर की चादर नहीं, ये माँ के लिए बेटे का बिछाना बिछाया गया। ये मेरे नबी ने मिजाज दिया, ये मेरे नबी ने जिंदगी दी है। लेकिन मैं जहां कहूं वहां की बात ना करूं फिर मैं बेकार हो जाऊंगा, इसलिए मैं वहां की बात कर रहा हूँ, वहां की बात कर रहा हूँ जो इसी मुजफ्फरपुर जिले में चंद किलोमीटर की दूरी के फासले पर, उस गांव का नाम सुरकाही शरीफ है। उस गांव में लेटने वाले का नाम सरकार सुरकाही हजरत तेगली शाह। तेगली है कौन ये बताने की जरूरत है, बस एक लफ्ज सुन लीजिए कि मुरीद को किराया न देना पड़े इन्होंने घोड़ा खरीद रखा, उसी से मुरीदों के यहां जाते थे। एक मुरीद के यहां गए, बैल के बथान में हजरत को बैठाया, घोड़े को बांट दिया खूंटी में, नाश्ते में मूंग के दाल की रोटी, लाल मिर्च और नमक की चटनी खाकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं मेरे घोड़े को कौन खिलाएगा। जिसके घर गए थे उसने अपने बेटे को कहा भाई देख कुछ दे, उसको भी दे, घोड़वा को भी कुछ दे। थोड़ी देर के बाद एक मुरीद आया, कहा सरकार आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्यों? बोला रोम रोम से पानी निकल रहा है, कांप रहा है। सरकार सुरकाही ने पैर में जूती पहनी, गए घोड़े के पास तो दोनों पांव उठा के खड़ा हो गया, इन्हीं नाने लगा, इन्होंने पीठ पे हाथ फेरी और ज्यादा बुलंद आवाज में हंस रोने बिलबिलाने लगा, तो आंखें बंद की। कहे फलाने का जी हुजूर, बोला मकई और जनेरा का ये पेड़ कौन लाया है? सुनो सुनो पीर किसको कहते हैं, ये मकई और जनेरा का पेड़ कौन लाया? बोला हुजूर मेरा बेटा का। बोला उसको बुलाया। सरकारे सुरकाई ने कहा बाबू कहाँ से लाया? कहा दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में जुम्मन का था, वही मैं उखाड़ के ले आया। फरमाते हैं सुनो, मेरा नाम तेगली है और मैं हलाल खाता हूँ, और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल है। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत इसको पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसको सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसको पीर कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसको पीर कहते हैं। बस आखिरी बात है, इसको पीर कहते हैं। मेरे दादा खादिम है उनके, मुफ्ती रहमत साहब, जैसा दरबार वैसा खादिम होगा ना। इंजा किया सरकार सुरकाही ने, लोटा दिया मेरे दादा को, पानी ले आओ। तो खैर इलाहाबादी अकमल साहब खानकाह के चबूतरे से कुआं कितनी दूरी पर है? मुश्किल से 20 कदम। पानी लाने गए मेरे दादा, सरकार सुरकाही तयम्मुम कर रहे। मेरे दादा ने पानी लेकर हाथ में रखा, दिया नहीं। बोला पहले मसला बताइए तब पानी देंगे। बोला कहा? बोला पानी पर अगर आप कादिर हो तो तयम्मुम जायज नहीं है। लोटा सामने, पानी लाने वाला सामने, पानी सामने, तयम्मुम कह किया? क्यों किया हमने तयम्मुम? जवाब सुनो। फरमाते हैं दरासत इस पानी लाने में एक दो मिनट लगा के नहीं, कहा अगर इतनी ही देर में मलकुल मौत आ जाते तो कहीं बेवजू मेरी रूह ना चली जाए, इसी डर से मैं तयम्मुम करने लगा कि मेरी रूह भी निकले तो तेगली वजू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्ला अलीमी, फैजाने सरकारे सुरकाही। अब बस बस तकरीर खत्म। सैफुल्ला अलीमी का है पूरी दुनिया में बदनाम है, 30 सेकंड में उसकी झलक देख लीजिए। मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, बलियाबी साहब जो पहने वो भी टोपी है, रोशन जमीर साहब जो पहने वो भी टोपी है, जमजम जो पहने वो भी टोपी है, ये फूल नेमत जो पहने वो भी टोपी है, और हजरत जो टोपी पहने वो भी टोपी है, मगर वो दुपल्ली टोपी है, ये ये ये
बरकाती टोपी है, ये रामपुरी कैप है, वो ऊंची टोपी है, वो गुंबद वाली टोपी है। टोपी सबका मकसद एक है मगर नाम अलग अलग है। सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है। कोई रामपुरी है, कोई लियाकत है, कोई मेहदी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रजवी है, सब नाम अलग अलग है। अब बेला मुबालगा कहने दो, पानी अगर आसमान से जमीन पर गिरे वो बारिश है, पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए वो भाप है, पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे तो ओला है, पानी अगर गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है, पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो वो नहर है, पानी गिर के बह जाए तो वो दरिया वो समंदर है, पानी अगर बगल से निकले पसीना होता है, आंख से निकले आंसू होता है, सेब अगर फल से निकले उसे अरक कहते हैं, फूल की पत्ती से निकले उसे शबनम का कतरा कहते हैं। यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे जमजम होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत होता है। नाम एक है मगर नाम अलग अलग है, हकीकत सबकी अलग अलग है। अब हकीकत एक है, अब बेला मुबालगा कहने दो, बलियाबी साहब मुस्कुरा दे तो मैं मुकर्रर हो जाऊं। बस बस बस, अब आखिरी जुमला। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हुईद रबी, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ हुज्जे जिलानी मियां हो गया, इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया हो गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब अरशदुल कादरी हुआ कायदे अहले सुन्नत हो गया, और इल्म जब तेग अली हुआ तो शेखुल मशायख बन गया जमाने।